स्पिरिचुअली आई वॉज डेड, स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रूप से आई वॉज डेड, मैं मरा हुआ था। तो आध्यात्मिक रूप से मैं मरा हुआ था। नथिंग इन माई लाइफ हैड मच मीनिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में हैड था मच बहुत ज्यादा मीनिंग मतलब मायने, तो मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता था। दिस डे टू डे ड्रेजरी वॉज ऑल्सो अफेक्टिंग माई अपियरेंस। डे टू डे मतलब हर रोज, ड्रेजरी का अर्थ की थकान, हर रोज का थकान, वॉज ऑल्सो अफेक्टिंग, अफेक्टिंग का तो प्रभावित करना, तो प्रभावित कर रहा था माई अपियरेंस, मेरी सकल और सूरत को। ऑल दो हालांकि आई वॉज इन माई लेट ट्वेंटीज, आई वॉज मैं था इन माई, मेरी लेट ट्वेंटीज मतलब 20 की दशक के आखिरी में। आई लुक लाइक आई वॉज 40, आई वॉज 40 मैं 40 का था। आई लुक लुक मतलब दिखने लगा, तो आई लुक लाइक आई वॉज 40, मुझे दिखने लगा था आई वॉज 40 मैं 40 का था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1985, इन द अर्ली पार्ट शुरुआत में ऑफ 1985 मतलब 1985 की शुरुआत में, शॉर्टली आफ्टर आई हैड टर्न्ड 30 इयर्स ओल्ड, टर्न्ड करते बदलना, तो आई हैड टर्न्ड 30 इयर्स ओल्ड मतलब मैं 30 साल में बदल गया, मैं मतलब मुझे 30 साल होने का कुछ समय बाद, शॉर्टली आउट कुछ समय बाद, आई वॉज बॉन्ड आउट, आई वॉज मैं था। बॉन्ड आउट का अर्थ क्या है कि फिजिकली एंड मेंटली वो बहुत सा थकान महसूस करना, तो वो आई वॉज मैं था बॉन्ड आउट मतलब थकान महसूस कर रहा था फिजिकली एंड मेंटली। एंड और वन पार्टिकुलर इवनिंग, वन एक पार्टिकुलर मतलब खास, इवनिंग शाम में, तो एक पार्टिकुलर खास शाम में, व्हाइल सीटिंग एलोन इन माई डेन, व्हाइल जब सीटिंग बैठा था एलन अकेले इन माई डेन मेरी रूम में, डेन का अर्थ कि रूम, ठीक है, उसका घर में उसके कमरे में, आई न्यू दैट समथिंग हैड टू चेंज, आई न्यू मैं जानता था दैट समथिंग कुछ हैड टू चेंज मतलब बदलना, हैड टू चेंज तो कुछ बदलना होगा, नॉट नोइंग नहीं जानता था व्हाट टू डू क्या करना होगा। आई सिंपली सेड आउट लाउड, आई सिंपली मैं बस से सेड कहा आउट लाउड मतलब जोर से, आउट लाउड का था जोर से बोलना, जोर से सेड मतलब बोलना, जोर से कहा, देयर्स गॉट टू बी मोर टू माई लाइफ देन दिस, देयर्स गॉट टू बी, देयर्स गॉट टू बी का मीनिंग है कि कुछ होना ही चाहिए, तो ठीक है कुछ होना ही चाहिए मोर ज्यादा टू माई लाइफ मेरी जिंदगी में, दिन दिन किससे, इससे ज्यादा कुछ मेरी, कुछ ज्यादा मेरी जिंदगी में होना ही चाहिए। देयर्स गॉट टू बी मतलब होना ही चाहिए मोर ज्यादा देन दिस मिजरी एंड अनहैप्पीनेस, मिजरी का अर्थ है कि दुख, अनहैप्पीनेस मतलब दर्द, दुख दर्द से ज्यादा कुछ होना ही चाहिए।